दोस्तों, दिल तब बैठ गया जब नगर परिषद कन्हान द्वारा क्रूरता की सारे हदें पार कर दी गई। जो वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, उन वीडियो को देखकर जो पशु प्रेमी नहीं भी होंगे उनके दिल से भी आह निकल गई। दोस्तों, अगर आप किसी भी सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, लोग कहते हैं इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं, और वफादारों में सबसे ज़्यादा जो वफादार होते हैं जिसे डॉग यानी कि श्वान कह सकते हैं, डॉग होते हैं। और इतनी बेरहमी से अगर नगर परिषद द्वारा जो क्रूरता दिखाई गई है वो हर एक के दिल से आह निकल चुकी है ये देखकर। दोस्तों, इस खबर को मैं न्यूज़ बनाने के माध्यम से आप तक लेकर नहीं आ रहा हूँ, इस खबर को देख के वाकई कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बेजुबानों के साथ में इस तरीके से क्रूरता, इस तरीके से अन्याय आखिर कोई कैसे कर सकता है। सत्ता का इतना नशा कैसे हो जाता है कि मतलब समझ में नहीं आता है किसी को कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है इस पे कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, कई युवाओं ने, कई लोगों ने इसके खिलाफ काफ़ी कुछ बोला, लेकिन खास बात तो ये है कि इसमें भी पॉलिटिक्स आ गई बीच में। इसमें भी कई लोगों को आवाज़ उठाने से मना किया, कई लोगों ने आवाज़ दबाने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि चंद पैसों के लिए आनन फानन में एक टेंडर निकालना, ऐसे व्यक्ति को टेंडर दिया गया। एक सवाल है कि क्या जिन्हें टेंडर दिया गया है, जिस तरीके से ये श्वान को पकड़ रहे हैं, उनके मुँह बंधे हुए, उन्हें मार रहे हैं, उनके मुँह से खून निकल रहा है, वो तड़प रहे हैं, वो बेजुबान है, वो अपनी तड़प किसी को बोल नहीं सकते। हम और आप तो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, उनका तो मुंह तक बंद कर दिया गया। जिस गाड़ी में रखा गया उस गाड़ी में खून गाड़ियों में लगा हुआ है, यानी कि उनके मुंह से खून निकल रहा है, इतना वो बेरहमी से उसे मारा गया है। मेरे पास सच बताऊं तो शब्द नहीं है इस दर्द को बयां करने के लिए। इसके ऊपर मामला भी दर्ज किया गया है, कई पशु प्रेमी ने इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन भी लिया है, लेकिन आखिर जो चीज़ें की गई हैं ये इसकी घोर निंदा की जा रही है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, जो लोग पर्दे के पीछे हैं, जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जो पर्दे के सामने नहीं हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जनता आने वाले चुनाव में ज़रूर अपना मत दे करके बताएगी कि आखिर इस तरीके से क्रूरता नहीं की जानी चाहिए। चलो एक सेकेंड के लिए मान लिया कि उनको उस श्वान ने कुछ लोगों को तकलीफ भी दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरीके से कार्य करवा रहे हैं, जिस तरीके से उस श्वान को पकड़ा जा रहा है, वो तरीका कतई भी किसी भी हालत में वो सही नहीं हो सकता है, और ऐसे लोगों पे मनुष्य वध का मामला दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल उत्पन्न होता है कि जिसे ये टेंडर आनन फानन में निकाल के दिया गया, क्या उसे इससे पहले जानवर पकड़ने का कोई एक्सपीरियंस है, और अगर होता तो इस तरीके से तो नहीं पकड़ते। अब हो सकता है कि आने वाले समय में कोई फेक डॉक्यूमेंट या कहीं से कुछ कर दे, और डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वो चीज़ें निरस्त हो जाती हैं अगर इस तरीके से कोई क्रूरता दिखाता है। तो जो चीज़ें हुई है वो काफ़ी बेरहमी से की गई है, और ऐसे लोगों को, इसमें लिप्त सभी लोगों को किसी भी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो चुनाव में मिले या फिर कानूनी प्रक्रिया से मिले, लेकिन लोगों को ऐसा मानना है लोगों का कि इस पर सज़ा मिलनी ही चाहिए। खैर, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ में।